नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। सरकारी लापरवाही के तमाम उदाहरण आपको देखने को मिलते रहते हैं। ताजा मामला सिवनी का है, जहां पर खरीदारी के समय गेहूं भीग जाने के बाद अब उसे वेयर हाउस में रखवा दिया गया है और अब वेयर हाउस में गेहूं पर घुनों ने कब्जा कर लिया और पूरा गेहूं पाउडर में तब्दील हो गया है। लापरवाही का ये बड़ा उदाहरण बरघाट विकासखंड की केसला बम्होरी सोसाइटी में सामने आया है। केसला बम्होरी सोसाइटी में 3 साल से रखा हुआ 10,000 क्विंटल से ज्यादा गेहूं घुन की भेंट चढ़ गया है और गेहूं का पाउडर बन गया है। गेहूं की सुरक्षा और किराए के रूप में सरकार का लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद गेहूं के खराब होने से सवाल खड़े हो गए हैं। समिति के वेयर हाउस में रखा हुआ 80% के लगभग गेहूं खराब हो चुका है। घुन का मकर जाल और पाउडर अलग ही दिखाई दे रहा है। हाथों से गेहूं उठाकर देखने में पाउडर अलग ही निकल रहा है। वहीं गेहूं की देखरेख और किराए के रूप में लाखों रुपए की राशि ले चुके केसला बम्होरी समिति प्रबंधक का साफ कहना है कि उन्होंने दवा का छिड़काव किया था। उनका यह भी कहना है कि अगर जल्द से जल्द गेहूं उठा लिया जाता तो गेहूं खराब नहीं होता। अबे रुक रे, बताना रे वहां पे। शरीफ खान, शरीफ खान, इसमें कीड़ा लग गया है, इसकी गेहूं छनाई चल रही है तो इसमें डस्ट पाउडर निकल रहा है छानने में और अच्छा गेहूं साइड में छान के रख रहे हैं। पूरा तो नहीं हुआ है, 3 स्टेक खराब हुए हैं और बाकी अच्छे हैं कहते हैं बार बार। हाँ, ये बम्होरी सोसाइटी है, हम मजदूर लोग हैं। यहाँ घुन लग गया है गेहूं में काफ़ी, तो घुन की साफ सफाई करने के लिए आए हैं हम। तो ये घुन छनाने का काम चल रहा है यहाँ बम्होरी सोसाइटी में और हम मजदूर लोग हैं। जैसा जैसा बताया गया है काम करने, वैसा काम कर रहे हैं। सुरक्षा क्या इंतजाम किए? सल्फा डालते हैं दवाई में, वो पड़ी से मेथन डेल्टा डालना ही पड़ता हम लोगों को। खराब है, क्या करें, मौसम भी साथ नहीं दे रहे, मौसम से भी हो सकता है असर पड़ा। जिम्मेदारी किसकी, खराब हो रहा है? साथ हम तो किराए वाले हैं, माल अच्छा रहे तो जल्द उड़ जाता।